एस लॉजिकल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 8 मजेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को MPL गेमिंग ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। आप लोग अपने फोन पर गेम तो खेलते ही होंगे, पर गेम्स खेलकर पैसे नहीं कमा पाते होंगे आप लोग। लेकिन अगर मैं कहूँ आप घर बैठे अपनी मनपसंद गेम्स खेलकर ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं, तो आप लोग यही कहोगे, यार ये तो फेंक रहा है। आप बिल्कुल घर बैठे गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं और ये कमाल MPL ऐप के द्वारा होता है। MPL एक मोबाइल गेमिंग ऐप है जिसमें आप अपनी मनपसंद गेम्स खेलकर पैसे अर्न कर सकते हैं। ये ऐप बिल्कुल ट्रस्टेड ऐप है क्योंकि इसके ब्रांड एम्बेसडर अपना यानी इंडियन क्रिकेटर टीम के कैप्टन विराट कोहली सर है, जो कि सभी का फेवरेट है। आप सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। साइन अप करते ही तुरंत से आपको 10 रुपए का कैश बोनस मिल जाएगा। MPL ऐप के अंदर तरह तरह की आपकी पसंद की गेम्स मौजूद है, जैसे कैरम, लूडो, पबजी, रमी, ETC। आप इनमें से कोई भी गेम्स खेलिए और घर बैठे पैसे कमाइए। जीते हुए पैसे आप इजीली अपने पेटीएम या फिर अपने बैंक अकाउंट पर आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। यानी कि इस ऐप पर आप तो गेम खेल ही रहे हैं पर साथ में पैसे भी कमा रहे हैं, तो है ना कमाल का ऐप। MPL ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया हूँ। वीडियो के बाद जाइए और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और गेम्स खेलकर पैसे कमाइए। तो शुरू करते हैं पहली पहली से। एक किसान अपने खेत का काम खत्म करके घर लौट रहा था। शाम हो रही थी और कुछ ही देरों में अंधेरा होने वाला था। रास्ते में उस किसान को एक पुरानी हवेली मिली। उस पुरानी हवेली से एक लड़की की आवाज आई, कोई है, मेरी मदद करो प्लीज, मैं मुसीबत में हूँ। आवाज सुनकर किसान को लगा कोई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। बिना सोचे किसान उस लड़की की मदद करने के लिए उस हवेली के अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही उस हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। किसान ये देखकर काफी डर जाता है। हवेली के अंदर काफी अंधेरा था, तभी उस हवेली के अंदर से अजीब सी आवाज आई, तुम इस हवेली के अंदर तो आ गए हो पर वापस बाहर कभी नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहाँ सिर्फ मौत मिलेगी। आवाज सुनकर किसान डर जाता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो उसे वहाँ 4 दरवाजे मिलते हैं। किसान उन दरवाजों को देखकर उन्हें कुछ राहत की सांस मिली, पर रुको, यहाँ खतरे कम नहीं हुए हैं, यहाँ भी खतरा ही खतरा है। उन 4 दरवाजों के पीछे कुछ न कुछ खतरे मंडरा रहे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एक जोम्बी खड़ा है, दूसरे दरवाजे के पीछे एक मोशन सेंसर से कनेक्ट ब्लॉक इक्विप्ड है। अगर किसान इस दरवाजे से एंटर करता है तो ये ब्लॉक इक्विप्ड उस किसान को वहीं कुचल देगा। तीसरे दरवाजे के पीछे एक डार्क रूम है और उसके आगे कोई भी एग्जिट रास्ता नहीं है। और चौथे डोर के पीछे मोशन सेंसर के साथ एक लेजर गन है। किसान अगर इस डोर से होकर बाहर जाता है तो उस लेजर गन की वजह से वो वहीं जलकर राख हो जाएगा। अब किसान करे तो क्या करे? दोस्तों, क्या आप इस किसान की मदद कर सकते हैं? किसान को इनमें से कौन सा डोर को चुनना चाहिए जिससे वो बाहर जा सके? इसका आंसर थोड़ा लॉजिक टाइप सा है, तो आप लोग इसे इतना आसान भी मत समझना। तो जल्दी से अपना दिमाग लगाइए और बताइए किसान को इनमें से कौन सा डोर को चुनना चाहिए। तो हम मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने उस किसान को दरवाजा चुनने में जरूर से मदद की होगी। अगर आपने मदद नहीं करी है तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो करी है। तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर। किसान सबसे पहले सेकंड डोर को खोलेगा, उसके बाद तुरंत से पहले डोर का दरवाजा खोल देगा और तीसरे डोर में जाकर छिप जाएगा और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लेगा। जोम्बी जैसे ही बाहर आएगा और सेकेंड डोर के अंदर एंट्री करेगा, वो ब्लॉक इक्विप्ड उसे वहीं कुचल देगा। उसके बाद किसान उस दरवाजे से बाहर आएगा और फर्स्ट वाले डोर से बाहर चला जाएगा। मानना पड़ेगा किसान ने क्या दिमाग लगाया है। किसान की इस चतुराई दिमाग के लिए अभी कभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अच्छा, अभी नहीं करोगे लाइक? ठीक है, बाद में कर देना लाइक, अभी कोई जल्दी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरी पहेली। मिस्टर जॉन शहर के एक बड़ी सी कंपनी का मालिक है। उसकी कंपनी में एक बड़ी सी डील होने वाली थी, तो वो उसकी तैयारी कर रहा था जो कि डील कुछ ही दिनों में होने वाली थी। एक दिन वो दोपहर का लंच करने के लिए सामने वाले कैफे पर गया था। जब वो लंच करके वापस आया तो उसे पता चला कि उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसकी डेस्क से गायब है।
मिस्टर जॉन को पता था उसका डॉक्यूमेंट्स उनके वर्कर में से किसी एक ने चुराया है, तो वो अपने करीबी 3 वर्कर्स को बुलाकर उनसे पूछताछ करता है। पहली वर्कर रेशमा कहती है, मैं तो उस टाइम अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में लंच करने के लिए गई हुई थी, मेरे पास इसकी रसीद भी है। दूसरी वर्कर जूही कहती है, सर मैं भी लंच करने के लिए गई हुई थी, आते टाइम मैं अचानक से सड़क पर गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और एक्सरे करवाना पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि आपका हाथ फ्रैक्चर है, ये देखो एक्सरे। तीसरी वर्कर सानिया कहती है, मैं अपने नोट्स पर काम कर रही थी, कल के बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए तैयार हो रही थी। जॉन उन सभी लेडी की बातों को सुनने के बाद वो तुरंत से समझ जाता है उसका डॉक्यूमेंट्स किसने चोरी किया है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों लड़कियों के बयान सुनकर बता सकते हैं डॉक्यूमेंट्स किसने चुराए हैं? इसका आंसर बहुत ही आसान है। आंसर के लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि कोई भी चीज बिना दिमाग लगाए सॉल्व नहीं होती। तो हम मिलते हैं कुछ सेकेंड बाद। डॉक्यूमेंट्स जूही ने चुराए हैं। अब आप लोग यही कहोगे, जूही क्यों, ये बाकी दो लड़कियां क्यों नहीं? क्योंकि जो उसने अपना एक्सरे दिखाया है वो एक्सरे को ध्यान से देखिए, वो तो लेफ्ट हैंड का है, लेकिन उसके तो राइट हैंड पर पट्टी लगी हुई है। यानी कि जूही झूठ बोल रही है कि वो गिर गई थी और उसने अपने हाथ पर फेक पट्टी चढ़ाई हुई है, और जॉन इसी पट्टी को देखकर समझ गया जूही झूठ बोल रही है। तो चलिए इस पहेली का जवाब बताइए, आप 8 को 8 टाइम्स यूज करके 1000 कैसे बना सकते हो? यानी आपको 8 नंबर सिर्फ 8 ही बार यूज करना है और 1000 बनाना है। ये काफी पूछे जाने वाले मैथ पजल है और अक्सर 90% लोगों ने इसे गलत बताया है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसे हल कर पाते हो या फिर नहीं। हम 8 को 8 बार कुछ इस टाइप से यूज करेंगे, 888 प्लस 88 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 1000। यकीन नहीं हो रहा है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप लोगों ने देखा ना, हम 8 को 8 बार यूज करने से 1000 कैसे लाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करते नहीं हो और बिना लाइक किए चले जाते हो। तो चलिए देख लेते हैं अगली पहेली। दोस्तों, ये एक इमोजी पहेली है। इस इमोजी पहेली को देखकर आप सभी को मूवी का नाम बताना था। ये पहेली आप लोगों से पिछली वीडियो में पूछी गई थी, और मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक पोल में पूछा था कि हमें 5 लकी नेम्स लेना शुरू कर देना चाहिए जो मूवी का नाम सही बताता था। यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे इतने सारे वोट्स मिलेंगे। 90% लोगों ने यस कहा है और केवल 9% लोगों ने नो कहा है। इससे यही पता चलता है कि आपको ये 5 नेम्स जो मैं अपनी वीडियो में लेता हूँ आपको काफी पसंद है। नियम के अनुसार से मैं 90% लोगों के साथ जाना चाहूंगा, और एक बात ध्यान में रख लो, मैं 5 नाम्स खुद से सेलेक्ट नहीं करता हूँ, कमेंट स्पिनर के थ्रू उन 5 नाम लोगों को सेलेक्ट करता हूँ। अब जिसकी किस्मत में नाम रहता है उनका नाम आ जाता है, तो आप लोग निराश मत होना कि मेरा नाम नहीं आता है। तो आइए देख लेते हैं वो 5 नाम जो पिछली वीडियो में मूवी का नाम सही बताया था। उससे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इस पहेली से मूवी का नाम गंगा जल बन रहा है, ये गंग, ये गा और ये जल, तो हुआ मूवी का नाम गंगा जल। और ये रहे वो 5 लकी नेम्स, यशु वर्षानिये, नीलम सिंह, परवीन कुमार, नाजिया परवीन और प्राइटी जी। आप पांचों को एस लॉजिकल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जिन लोगों का नाम आज की इस वीडियो में नहीं आया है वो निराश मत होना, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है, और नाम आने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। तो चलिए देख लेते हैं अगली पहेली। दोस्तों, ये एक इमोजी पहेली है। इस इमोजी पहेली को देखकर आप लोगों को मूवी का नाम बताना है। मूवी का नाम आप लोगों को ही बताना है। आपके आंसर में से किन्हीं 5 लकी नेम्स को मैं अगली वीडियो में अनाउंस करूंगा, तो मूवी का नाम जरूर से बताना, क्या पता अगला नाम आपका हो। तो चलिए देख लेते हैं आखिरी पहेली। एक कैदी जेल से भागने की फिराक में था, समय मिलते ही उसने टॉयलेट रूम से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, पर कैदी को पता था उसे आगे जाकर एक तरफ उस टॉयलेट की गंदगी मिलेगी और एक तरफ तो एक टंकी है जिसमें पॉइजनस गैस से भरी हुई है। अब वो कैदी नीचे जाकर बिल्कुल पूरी तरह से फंस जाता है। कैदी को किसी भी हाल से इस जेल से भागना था, पर कैदी तो बिल्कुल फंस चुका है,
अगर वो इस तरफ से सुरंग बनाता है तो उस टॉयलेट की गंदगी की महक की वजह से दम घुटने से उसकी मौत हो सकती है, और अगर इस तरफ से वो सुरंग बनाते हुए जाता है तो उस जहरीली गैस की वजह से उसकी जान जा सकती है। दोस्तों, क्या बता पाएंगे आखिर इस कैदी को यहाँ से भागने के लिए क्या करना चाहिए? इसका आंसर थोड़ा घुमा टाइप सा है, बस आपको इस सीन को ध्यान से देखने की जरूरत है। तो अच्छे से सोचिए और बताइए यहाँ से कैदी कैसे भागेगा। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, वो कैदी यहाँ से और गहरी सुरंग खोदकर नीचे जा सकता है और इस तरह से सुरंग बनाते हुए वो इस जेल से बाहर निकल सकता है। हाँ, बस उस कैदी को थोड़ी और मेहनत लगेगी, पर इससे वो बाहर जा सकता है। वैसे इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर से बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फिर क्या कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। और हाँ, MPL ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।